अब अंडरलाइन का तो हमने समझ लिया, अब एक चीज को थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से समझो। अंडरलाइन नॉर्मली जब हम कहीं पे भी कुछ भी लिखें और उसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब क्या होता है? मतलब वो हमें कोई स्पेशल चीज लगती है, स्पेशल वर्ड ये लगता है। इंपॉर्टेंट यस, है, इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट पॉइंट टू बी नोटिस। यस जो भी यहां पे लिखा हुआ है उसको नोटिस में लेना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हम दो बार अंडरलाइन करते हैं। अब सिग्नेचर में गुड आफ्टरनून अंडरलाइन सर। जो किया, हाँ जी, सिग्नेचर में जो अंडरलाइन किया हमने अभी तक पढ़ा था क्लास में, कि साइन अपना नाम और उसके नीचे अंडरलाइन। बहुत से लोग हैं जो अंडरलाइन अपने नाम के सामने नहीं, अपने नाम के नीचे नहीं, अपने सरनेम के नीचे करते। जैसे मैंने लिखा राजीव अरोड़ा, तो मैंने राजीव के नीचे अंडरलाइन नहीं की, लेकिन अरोड़ा के नीचे अंडरलाइन की। और ये मेरी ब्रेन वेव्स हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ग्राफोलॉजी हमारी ब्रेन वेव्स हैं। तो मेरी ब्रेन वेव्स किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रही है? फैमिली फैमिली को, को, ठीक फैमिली को, है। फैमिली, जब मैं अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहा हूं तो मैं अपने नाम में सरनेम जो लिखता हूं उसके नीचे अंडरलाइन लगाऊंगा, अपने को इम्पोर्टेंस देता हूं तो मैं अपने नाम के नीचे लगाऊंगा, दोनों के नीचे लगाता हूं तो इक्वल दोनों को लगाऊंगा, और प्रोपोर्शन उसी हिसाब से बांट लो। मान लो अपने में थोड़ा कम है लेकिन फैमिली नेम में पूरी है, या अपने में पूरी है फैमिली नेम में थोड़ी सी अंडरलाइन है, तो वो प्रोपोर्शन उस हिसाब से एडजस्ट हो। ठीक है, जब भी जितना रिटन एरिया है जिसमें हमने साइन किए उससे लाइन आगे निकल जाए, या शुरू में या आखिरी में, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंस है वो एक्सट्रीम हो गई, जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। अंडरलाइन लगाने वाले लोगों में थोड़ा सा जिद्दीपन, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा जिसको कहते हैं अड़ियलपना, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, अगर वो नाम से पहले शुरू हो रही हैं और नाम खत्म होने के बाद भी एक्सटेंड होके आगे तक जा रही हैं, तो अब नाम को और अंडरलाइन को दोनों को आपस में कंपेयर करो। ईगो अगर बिगो मैं भी। अंडरलाइन को ईगो मान लूं तो माई ईगो इज बिगर देन मी इवन। मी क्या है? इतना सा, अजीब। और अंडरलाइन क्या है? मेरे से भी बड़ी, आगे की तरफ भी बड़ी हो सकती है, पीछे की तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। मतलब जहां आर, राजीव जहां आर से शुरू किया तो मैं अंडरलाइन लगाता हूं तो आर से भी तीन अल्फाबेट और लिख सकें, उतना पीछे से लगाता हूं। ठीक है, और डबल ई वी खत्म हो गया, वी के आगे भी वो चली जाती है, एक्स्ट्रा एरिया कवर कर रही है। तो ये बताता है कि पर्सन कुछ ज्यादा ही ईगोइस्टिक है, ज्यादा ही जिद्दी है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होगा। अच्छा है बुरा है हम उसकी बात नहीं करते, वो कभी भी हमने बात नहीं करी कि ये चीज अच्छी है कि ये चीज बुरी है। जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए भी बुरी है, जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए भी ये चीज बुरी हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर हो जाएगा कोई चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, पर्सनालिटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा।